मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एफएमसी की बैठक से पहले सोने चांदी के भाव में सुस्ती, यूएस में कर आएगा ब्याज दरों पर फैसला। अमेरिका चीन में ट्रेड डील को लेकर असमंजस, का भी असर। ट्रेड डील को लेकर तस्वीर साफ नहीं होने से कच्चे तेल पर दबाव, लेकिन ओपेक की उत्पादन कटौती से निचले स्तरों से सपोर्ट। डॉलर के मुकाबले एक महीने की ऊंचाई पर रुपया, 15 पैसे की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। एक डॉलर का भाव 70 रुपए 90 पैसे करीब। यूएस चीन ट्रेड डील पर दुविधा से बेस मेटल्स में कमजोरी, निकल करीब 1.5% टूटा तो कॉपर और जिंक में भी गिरावट। प्याज के बाद अब आपकी थाली से आलू गायब, रिटेल में आलू का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले देख लेते हैं कमोडिटी बाजार का इस वक्त का एक्शन, की क्या रुझान बना हुआ है। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करेंगे, रुझान वहां पर सुस्ती का बना हुआ है, लेकिन एक्शन जहां है वहां है रुपए में एक्शन, क्योंकि आप देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो एक महीने की ऊंचाई पर अब ट्रेड कर रहा है। अभी आप देखेंगे लगभग 15 पैसे की मजबूती है और 70 रुपए 90 पैसे पर ये कर रहा है ट्रेड। साथ ही सोने चांदी में सुस्ती बनी हुई है और एफएमसी की बैठक पर नजरें टिकी हुई है। उससे पहले जो सुस्ती है वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है प्राइसेस में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बिल्कुल फ्लैट ट्रेड अभी कर रहे हैं। वहीं अगर आप क्रूड देखेंगे तो क्रूड में भी हमने देखा है कि रेंज बाउंड मोमेंटम भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओपेक की मीटिंग का आउटकम आ चुका है, ट्रेड डील पर नजरें टिकी हुई है और इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 4000 से 4200 के बीच में ही शायद एमसीएक्स पर क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखे। मेटल्स में भी सिमिलर रिफ्लेक्शन है। यूएस चीन ट्रेड डील को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, उसी का इंपैक्ट बेस मेटल्स पर दिख रहा है। आप देखिए निकल थोड़ा कमजोर है, कॉपर जिंक में भी हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। लेड एकमात्र ऐसा मेटल है अभी जो कि पार्शली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, हल्की सी बढ़त के साथ, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है तमाम मेटल्स में भी। लेकिन एग्री कमोडिटीज में काफी एक्शन है, स्पेशली हमने देखा था अनियन के प्राइसेस के बाद अब आलू के प्राइसेस में भी सर्ज है। लेकिन अगर हम ट्रेड के हिसाब से देखें तो दलहन और तिलहन दोनों में हमने काफी अच्छा रुझान देखा है तेजी का। दालों में पहले तेजी बनी थी और अब तिलहन में काफी एक्शन है। एक्सपर्ट्स को चलिए करते हैं शामिल। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन है, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी है और सीएनबीसी टीवी ने कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई है। शुरुआत हॉट पिक्स के साथ कर लेते हैं। बताइए मनोज जी, पहले आपके हॉट ट्रेड्स क्या रहेंगे आज के? नमस्कार दीपाली, मेरे दोनों ही पिक जो है खरीदारी के रहेंगे। पहला यहाँ पे धनिया जनवरी वायदा में खरीदारी की रणनीति करना चाहिए 6640 तक, 6550 तक एक स्टॉप लॉस रखे और लक्ष्य होगा 6800 का। दूसरा सोयाबीन जनवरी वायदा में 4160 के स्तरों पर खरीदारी करे, 4120 तक एक स्टॉप लॉस होगा, लक्ष्य होगा 4240। ठीक है जतिन, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेंगी? जो कि यूएस और चीन की जो ट्रेड डील की जो टॉक्स है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुझान पर जा सकती है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम बेस मेटल के अंदर जो है बैंक पिक लेकर चल रहे हैं। खास करके जिंक और कॉपर दोनों के अंदर बैंक की सलाह रहेगी हमारी। जिंक की जो लेवल्स हमें करंट मार्केट प्राइस से अच्छे लग रहे हैं, 182-40 के आसपास जो लेवल्स चल रहे हैं दिसंबर वायदा के, वहाँ पर बैंक की सलाह रहेगी। जो टारगेट रहेगा 184-50 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस रखना है 181 नीचे का रखना है। दूसरा पिक जो रहेगा कॉपर के अंदर रहेगा, 438 के लेवल्स के आसपास थोड़ी सी डिप आती है तब बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 436 के नीचे का और जो टारगेट रखना है वो 441 का रखना है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स आपको बताए गए हैं, लेकिन रुपए की जैसे कि हमने शो की शुरुआत में बात की, मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है, 70 रुपए 90 पैसे के आसपास रुपया कारोबार कर रहा है, एक महीने की ऊंचाई पर है और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर अब नजरें टिकी हुई है। मनीषा जी, इनफैक्ट आपका ही पहले एक व्यू लेंगे कि रुपए में जो मजबूती बनी है किन किन कारणों की वजह से आई है, कितनी टिकाऊ ये हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर के मुकाबले जो एशियन करेंसीज है वहां पर एक्शन रहा है थोड़ा मजबूती की तरफ। जी हाँ दीपाली, इवन एज भारत में हमने इक्विटी मार्केट्स में आज मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, उसके बावजूद भी रुपया यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो टिकाने में यहाँ पर कामयाब रहा है। डॉलर में गिरावट है, हमने बाकी एशियाई करेंसीज में सपोर्ट आते हुए देखा है। चाइनीज युआन की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, जिसका फायदा आज यहाँ पर रुपए में था। एक महीने के हाइज पर हम कारोबार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि डॉलर्स में डॉलर की बिकवाली हमने यहाँ पर काफी हद तक फॉरेन बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी है। और इसके अलावा बाजार में अब एक क्लियर सेंटिमेंट है
कि जब भी 71 के पार वहां पर रुपया जाता है, हमने आरबीआई की तरफ से यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से यहां पर बिकवाली आते हुए देखा है, तो क्लियरली आरबीआई शायद यहां पर 71 के आसपास के लेवल्स को किस तरह से डिफेंड कर रहा है। और जितनी बार भी हम वहां पर आते हैं तो बैंक्स के भी कुछ यहां पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और हम कुछ मजबूती की तरफ यहां पर लौटते हुए नजर आते हैं। हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूएस चाइना की ट्रेड टॉक्स पे तो नजर रखेंगे ही, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स पे भी यहां पर एक नजर रहेगी, तो काफी इवेंटफुल रहेगा। और करेंसी प्ले काफी हद तक ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस भी मानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट थीम होगा आगे जाके 2020 के लिए भी, तो करेंसीज पर यहां पर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नियर टर्म के लिए आई थिंक 70.80 71.15 के आसपास ये रेंज फिलहाल रुपया इसके बीच में कारोबार कर सकता है। ठीक है जतन, आपका व्यू क्या है रुपए पर? जी रुपए को लेकर हमारा व्यू जो है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड है, जहां पर नीचे में जो लेवल्स हैं हमें यूएसडीआरआर के अंदर जो सपोर्ट लेवल्स लग रहे हैं अराउंड अबाउट 70.80 70.70 का लग रहा है। मैं ये वायदा कारोबार की बात कर रहा हूँ, और जो अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 71.30 से 71.40 के लग रहे हैं। सो एक 60 to 70 पैसे का जो रेंज है वहां पे लग रहा है हमें रुपया जो है वो। डिसेंबर सीरीज की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ट्रेड टॉक्स की जो बातें चल रही है वो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सेशन दिखा रही है घरेलू बाजार के अंदर। और अगर एफआई का फ्लो अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं रुपए को जो और स्ट्रेंथ पकड़ने मिल सकती है। जो अपसाइड पोटेंशियल है 71.30 to 71.40 के आसपास लॉक्ड है फॉर द डिसेंबर सीरीज। ठीक है, तो चलिए ये तो रुपए पर आउटलुक हुआ कि जो मोमेंट हमें ऑरेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अब मंडी खबरों का। खाने के तेलों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एनसीडीएक्स पर जनवरी वायदा सोयाबीन का भाव 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। अच्छे ग्लोबल संकेत और साथ ही घरेलू उत्पादन में कमी से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसी पर इनफैक्ट बातचीत करेंगे मनीषा गुप्ता तो बनी हुई है, साथ ही जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई भी मौजूद है। मनीषा जी, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजें, पहले अनियन की बात हुई, अब आलू की बात हो रही है, और अब तो जो खाने के तेल है वहां पर भी अक्रॉस द बोर्ड काफी तेजी बनी हुई है। क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से मोमेंटम आ रहा है? जी हाँ दीपाली, हम रोज ये कार्यक्रम करते हैं और बात यही लगातार चलती रहती है कि खाने के तेलों में यहाँ पर लगातार बढ़त है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो हमने क्रूड पाम तेल में यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी। जो 3 मेजर देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, जो 70% क्रूड पाम ऑयल उत्पादन करते हैं, वहां पर फसल को लेकर चिंताएं हैं, पेस्ट अटैक है, तो उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला ही है। सीपीओ को हमने इसी हफ्ते में 2 साल के हाइज बनाते हुए देखा है। भारतीय बाजारों की जहां तक बात है, हमारी अपनी यहां पर काफी चिंताएं हैं सोयाबीन को लेकर, जहां पर फसल इस बार कम रहने की उम्मीद है। सरकार का जो आंकड़ा था 3.5 मिलियन टन का, उससे काफी कम यहां पर फसल होने की इस बार उम्मीद है। आवक भी यहां पर देरी से आई है। सोयाबीन के भाव अगर हम एनसीडीएक्स पे देखें तो वो 3 साल के हाईस पर ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक महीने में करीबन 8 से 11% की बढ़त हमने इन विभिन्न खाने के तेलों में ऑलरेडी आते हुए देखी है, और यही माना जा रहा है कि कंसोलिडेशन और डिप्स पर बाइंग की जो स्ट्रेटजी है वो आगे आके आपको 1-2 महीने के लिए और भी यहां पर अपनाने को मिलेगी। ऑफकोर्स पिछले महीने हमने 10% के गेन्स देखे हैं, इस महीने में शायद हम 3 से 5% के गेन्स देख पाएंगे, लेकिन बढ़त की उम्मीद अभी भी आगे चल के खाने के तेलों में है बाजार को। और ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में काफी सारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि खाने के तेलों को लेकर वो यहां पर और सपोर्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री को, तो काफी सारी जो मांगे रही है इस सेक्टर की, माना जा रहा है कि हम उसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन, कोई चर्चा यहां पर बहुत जल्दी ऑन एन ऑफिशियल तौर पर आता हुआ देखेंगे। इनफैक्ट मनोज जी, सोयाबीन पर तो आपने व्यू दिया ही है, अभी मनीषा जी ने बताया अभी कि उत्पादन भी कम है, चीन में भी जो इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन सोयाबीन के अलावा वहां तो आपने एक बाय रिकमेंडेशन दी है, लेकिन बाकी अगर खाने के दूसरे तेल देखें तो तेजी वहां भी बनी है। कोई और कमोडिटी या फिर कोई और जहां पर कन्विक्शन हो आपका ऑन डिप्स या फिर मौजूदा लेवल्स पर कोई स्ट्रैटेजी बनाने का? बिल्कुल दीपाली, मनीषा जी को बताना चाहूंगा कि 25 अक्टूबर को हमने आपके चैनल पे शो किया था, जब हमारी बातचीत हुई थी और हमने बोला था कि इंडियन ऑयल कॉम्प्लेक्स जो ओवरऑल यहाँ पे अच्छी तेजी आने वाले समय में दिखाएगा, और हमने लगभग 1 से 1.5 माह में यहाँ पे 10 से 15% की जो है बढ़ोतरी सारी कमोडिटीज में आते हुए देखी है। सोयाबीन में यहाँ पे बढ़त जो है जारी है, लेकिन साथ में हमने सरसों वायदा में भी अच्छी बढ़त जो है निचले स्तरों से आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि यहाँ पर भी जो ये कमोडिटी फर्म ट्रेंड अभी भी दिखा सकती है,
तो बाय ऑन वीक पे यहाँ पर भी जनवरी वायदा में 4,350 से 4,400 के रेंजेस में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ भी 4,550 4,600 तक के स्तर अगले एक से डेढ़ महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो सरसों में भी जो है तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि खाने के तेलों में एक स्ट्रेट जो है रनअप हमने आते हुए देखा है, तो यहाँ पूरी मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन रिफाइंड सोया तेल में निचले स्तरों पर 840 के आसपास यहाँ फिर से एक बार सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपने कहा था खरीदारी यहां पर करनी चाहिए और क्लियरली पिछला एक महीना यहां पर काफी फायदेमंद रहा जिन्होंने यहां पर बाइंग कॉल्स ली थी। लेकिन नीरव देसाई हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीरव नमस्कार। खाने के तेलों ने पिछले एक महीने में काफी हद तक कमाई करा के दी है ऊपरी स्तरों पे। आप इंदौर में है, एमपी में फिलहाल यहां पर किस तरह का रुझान है? फसल कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बढ़ी है, इन स्तरों पर किस तरह की आवक है, कैसा ट्रेड है और आगे जाके क्या प्राइस व्यूज है? ओवरऑल देखिए सिचुएशन में जैसे आपने बोला कि सोयाबीन क्रॉप का सिचुएशन यहाँ पे खराब रहा है, उसके कारण एक एसएनडी टाइट रही है। एक्सपोर्ट ऑफ डीओसी तो इस साल पूरा आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है और जो क्रॉप है वो लोकल डीओसी डिमांड के बराबर है। अब इश्यू ये है कि एट हायर प्राइजेज ऑल्सो सोयाबीन इसलिए रैली कर रहा है कि आज सोया डीओसी का जो रिप्लेसमेंट है मेज वो भी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ओवरऑल एडिबल ऑयल प्राइजेस में क्रूड पाम ऑयल और सोया ऑयल में भी अच्छी खासी तेजी आई है। पर्टिकुलरली सीपीओ की हम बात करें तो आज 2450 रिंगिट बीएमडी जो चल रही थी वो आज 2900 रिंगिट बीएमडी गई है। ओवरऑल वहां पे इंडोनेशिया में B30 बायोडीजल का मैंडेट 2020 में लागू होगा और स्टॉक लेवल्स जो है मलेशिया के अभी ओवरऑल ड्रॉइंग डाउन पैटर्न पे ही हैं, उसके कारण से ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव क्यूज पाम से लेकर आया है। और पाम ऑयल आप देखेंगे के 550-560 सीपीओ फ्यूचर्स जो थे वो अभी हाल 730-735 के लेवल पे कल ऑल टाइम हाई पे टच किए हैं। सोया रिफाइंड इंदौर फ्यूचर्स ने भी ऑल टाइम हाई टच किया, 822 का इसका ऑल टाइम हाई था 2016 का जो उसने दो दिन पहले ब्रीच किया। ओवरऑल सारे मार्केट्स हायर लेवल पे हैं बैक्ड बाय सपोर्टिव फंडामेंटल्स। सिर्फ यहां से बहुत कितनी बढ़त या तेजी की उम्मीद आपको लगती है? क्या ये सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और यहां से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि अभी भी सबसे पहले जो मार्केट को चलाने वाला प्रोडक्ट रहा है वो सीपीओ रहा है, तो सीपीओ के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। गोइंग नेक्स्ट 3-4 मंथ्स सपोर्टिव ट्रेंड ही रहेगा क्योंकि मलेशिया में स्टॉक ड्रॉडाउन सिचुएशन और फर्दर होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आने से एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में रह सकता है इन सीपीओ सोया रिफाइंड एंड इवन ऑन सोयाबीन्स। बट एक हेल्दी करेक्शन लेके मे बी इन फ्यू डेज फिर मार्केट थोड़ा सा फॉर्म रहे। चलिए शुक्रिया मिस्टर देसाई अपने व्यूज देने के लिए। तो जो मोमेंटम बना हुआ है तेजी का वो फिलहाल सस्टेन करे क्योंकि फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंटम को। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और नवल किशोर हमारे साथ बाराबंकी यूपी से फोन लाइन पर हैं अपना सवाल लेकर। नवल जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मिलता है पता करना है क्या रे भाव आगे रहेंगे इसके? आपके पास है पोजीशन है ऑलरेडी? हाँ ठीक है, बताइए मनोज जी। मेंथा ऑयल का एक आउटलुक ये जानना चाहते हैं, इनके पास पोजीशन है, कितनी पोजीशन है ये तो इन्होंने डिटेल्स शेयर नहीं की है, बट अभी तो 1305 का भाव है, आगे प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है? काफी दायरे में कमोडिटी पिछले कुछ समय से ट्रेड कर रही है, हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। 1270 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, हमारा मानना है कि एक रैली टूवर्ड्स 1330 से 1350 देखने को मिल सकती है, तो 1350 के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की रणनीति रखना चाहिए, वर्तमान स्तरों पर होल्ड करना चाहिए।
फिलहाल पोजीशन में तो होल्ड कीजिए, मेंथा में 1350 का भाव मिले तो वहां पर आप निकल सकते हैं, ये सजेशन होगा। किशोर ओडिशा से हमारे साथ फोनलाइन पर है। किशोर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल है आपका सीएनबीसी आवाज में, हर टाइम मैं तो आपका फैन हूँ, लेकिन मेरे को बोला था जो 164 में आप डाल के बैठी है तो नेचुरल गैस 190 तक चला जाएगा। मैं 5 लाट 6 लाट खरीदा था 175 पे, तो अभी जो पोजीशन आ गया मैं क्या करूँ? अभी कहाँ है थोड़ा बताओ तो। ठीक है 150 160 के आसपास। हाँ ठीक है 160 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, नुकसान आपको हो रहा है। और जो 190 के टारगेट्स दिए गए थे वो थोड़े से पोजिशनल टारगेट्स थे और ऑन डिप्स बाय करने की सलाह दी गई थी मुझे याद है, लेकिन फिर भी जतन से एक व्यू ले लेते हैं। जतन जी बताइए 175 पे इन्होंने खरीद लिया है, नुकसान तो इनको हो रहा है, अब करना क्या है इनको? जी देखिए काउंटर जो है वो कमोडिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, बिकॉज विंटर सेशन जो हम देख रहे हैं काफी हद तक डिले हो चुके हैं और कहीं ना कहीं समर जो है वो ज्यादा टाइम तक रहने का अनुमान है 2020 में, तो उसी कारण हम देख रहे हैं नेचुरल गैस की जो प्राइसेस है वो स्ट्रांगली वीक है। लेकिन अभी जो करना है उनको क्या करना है कि एक स्टॉप लॉस बिठाना है सेफ साइड के लिए, 156.50 का स्टॉप लॉस बिठा कर रखिए, बिकॉज 156 के नीचे अगर प्राइसेस चले जाते हैं डेफिनेटली वापस से और 7-8 रुपए की गिरावट आ सकती है उसके अंदर काउंटर के अंदर, और अगर बाउंस आता है तो 170 तक का जो बाउंस है वो लिमिटेड रह सकता है। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 170 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए नेचुरल गैस प्राइस। ठीक है तो 156 के आसपास स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, वो लेवल टूटेगा तो शायद वीकनेस बढ़ सकती है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ये सजेशन आपको दिया गया है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और हमारे साथ अब अगला सवाल पूछने के लिए कपास और सोयाबीन पर इनफैक्ट सवाल है, विशाल है, उनसे बातचीत करेंगे लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। आते हुए कमोडिटी कॉल, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए आपके सवालों के जवाब देने के लिए। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है बुल्धाना से विशाल का, इनके पास किसान है, ये इनके पास 2 क्विंटल कपास है और 50 क्विंटल सोयाबीन है। मनोज जी बताइए सोयाबीन पर तो इनफैक्ट आपके बाय रिकमेंडेशन भी है, तो इनको क्या करना है, रखनी है पोजिशन या नहीं, और कपास में क्या करें? बिल्कुल सोयाबीन में होल्ड करना चाहिए पोजिशन। कल चाइना की तरफ से यूएस टैरिफ ऑर्डर के बाद चाइना की जो है यूएस सोयाबीन में बाइंग भी शुरू हुई है, और हमने सीबीओटी को 900 सेंट के ऊपर जाते हुए देखा है। यूएसडीए की मंथली रिपोर्ट भी आने वाली है और ये अंदेशा निकल कर आ रहा है कि शायद वहां पे जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं कीमतों का सपोर्ट जो है वो जारी रहेगा। हमारा मानना है कि सोयाबीन को वर्तमान स्तरों पर होल्ड करना चाहिए, अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पे 4,300-4,350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो वहां एक बार जो है बेचने की रणनीति रखना चाहिए। वही कपास की कीमतों में एक डायरेक्ट ट्रेड देखने को मिल रहा है, और जो 15 दिसंबर को यूएस टैरिफ का जो डेडलाइन है वहां पे यूएस की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल कर आती है तो फिर कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, तो एक बार 15 तारीख तक जो है यूएस के एक्शन का वेट करना चाहिए। अगर वहां से कोई पॉजिटिव क्लू निकल कर आते हैं तो वहां भी एक बार जो है अगले 1 से 1.5 महीने के लिए कमोडिटी को होल्ड कर सकते हैं। पॉजिटिव निर्णय की दशा में यहाँ पे एक बार 1120-1130 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं अप्रैल वाले। ठीक है तो फिलहाल पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं दोनों ही कमोडिटीज में, ये आपके लिए सजेशन है। इतने ही करेंगे सवाल शो में शामिल, शुक्रिया मनोज जी और जतन आपका आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं मार्केट्स टुडे। नमस्कार।